कैसे गुण गा
मानस मगन रहे माया में कहो कैसे गुण गावे गुण गावे प्राणी को प्राणी को हर जस मन नहीं आवे प्राणी को हर जस मन नहीं आवे माया ममता फुनिश्यो पूत मीत माया ममता श्यो एह बिद आप बंधा यह बिद आप बंधावे मृग तृष्णा मृग तृष्णा जो झूठ यह जग मृग तृष्णा जो झूठ यह जग देख तास उठ धावे देख तास उठ धावे उठ धावे हर जस मन नहीं आवे प्राणी को हर जस मन नहीं आवे प्राणी को हर जस मन भुगत मुक्त का कारण स्वामी भुगत मुक्त का कारण स्वामी विसरावे
बटन में को जन नानक कोटन में को भजन राम को मगन रहे माया में एनस मगन रहे माया में कहो कैसे गुण गावे कहो कैसे गुण गावे निस दिन माया कारण निस दिन माया कारण प्राणी डोलत नीत को कैसे गुण गावे प्राणी डोलत नीत कोटन में नानक को
नारायण जय चीत एन सुमगन रहे माया में माया मनो नाम विसरे मन माया में रम रहे मन माया में रम रहे निकषत नाहन मीत निस दिन माया कार ने माया मनो नाम विसरे मांगे दम दम कहो कैसे गुन गावे तहन समगन रहे माया में सवाल खड़ा हो जाता है और उस सवाल साडे तुहाडे लफ्जों विच ही नहीं साडे तुहाडे ख्यालों विच ही नहीं गुरु ने भी सवाल किया है वो सवाल की है कि भलिया ये गल ठीक है प्राणी को हर जस मन नहीं आवे गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी का श्री गुरु ग्रंथ साहब विच तीजा शब्द है हर जस मन नहीं आवे कारण कारण ये है कि एन समगन रहे माया में कहो कैसे गुण गावे दिन रात ता ए परवृत रहिंदा है माया विच मगन रहिंदा है उलझिया रहिंदा है इंदे कोल समा ही नहीं गुण गा सके इसलिए इंदे मन विच हरी जस नहीं आउंदा लो पहली लाइन प्राणी को हर जस मन नहीं आवे कारण एन समगन रहे माया में को कैसे गुण गावे हुण इत्थे जिहड़ा सवाल खड़ा हो गया है वो ये कि जिसनू मैं तू दुनिया दे लोग माया पैसा दौलत आखदे ने इत्थे उसे तो परेशानी है ताकि सिख को माया ना होवे पैसा ना होवे गुरु ने अपनी रचना तो ही आख दिता कह लगे ग्रह शोभा जां केरे नाहे जिंदे घर विच माया नहीं आवत पई आ खुद जाए उनके घर विच ता आया होया मेहमान भी भुखा ही जांदा है लंगर चलदे ने ता माया दी ता लोड़ है लंगर एवें नहीं चलदे अस्थान बनदे ने माया दी लोड़ है माया बिना नहीं चल बनदे फिर सवाल ए माया सिख कोल नहीं चाहिदी फिर किस माया दा जिक्र है लो मैं एक बार कीती सी श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी ने कोई पढ़दा कोई ओला नहीं हर भरम दूर कीता
एक सवाल खड़ा कर देते हैं जी, जे दौलत दा होना जरूरी है, दौलत दा होना जरूरी है, इंदे बिना लंगर नहीं चलते, इंदे बिना अतिथि मेहमान मुसाफर भुखे जाते ने। अज दरबार साहब दे लंगर दी मर्यादा दा जिक्र अक्सर भी किन्ने लखां दा रोज लंगर बनता है, किवें बनता है? इत्थे एक सवाल खड़ा हो गया जी, जे दौलत दा पैसे दा ना माया है तो फिर की नहीं होना चाहिदा? ते जे होना चाहिदा है तां ही चलदा है। तां फिर माया, ओ लफज जिहड़ा माया वाल संबंधी वरतिया गया है, वह माया की है? गुरु ने बाणी विच ही आख दिता, कहन लगे माया किसनू आखी है। ताकि सिख नू भरम कोई ना रवे। कहन लगे सब तो पहला मैं ये भी जानना चाहिया माया है कि माया किसनू आखिया या माया करम कमाए। दस माया किनू आखते हैं, माया किसनू आखते हैं, माया दी निशानी की है? जे ओ आ जाए, जे मन उस ते भरम जाए, जे मन दा संबंध उनदे नाल हो जाए, ता ओ की नुकसान कर दी है? मसला ये है, दसो मैनू माया किनू कहंदे। ते गुरु ने इत्थे एक लफज कह दिते, कहन लगे बहु रंग माया। माया दा एक रंग नहीं पलिया, तू धोखे विच भुलेखे विच इसलिए आ जाना है क्योंकि माया एक स्वरूप विच नहीं। माया रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाय। जिन्हें माया पैदा कीती उन्हें भी एक रूप विच नहीं कीती, बड़े रूप ने इंदे, ते पता ही नहीं तेनू लगता कि तेरे ते किस रूप विच आके असर अंदाज हुंदी। बहु रंग माया, बहु विदपेखी। जद भी मैं वेख्या किसे नवे रूप विच, श्री गुरु ग्रंथ साहब विच ही ऐसे शब्द नूं ही लै लो, इंदे विच वख वख रूप माया दे आखे। पहले विच आखिया सिर्फ इन्ना लफज कि ऐन समगन रहे माया मैं कहो कैसे गुण गावै। अगले पासे एक कह दिता पूत मीत माया ममता सियों है, उत्थे पुत्र मित्र भी माया हो गए। पुत्र मित्र भी जिंदे विच मनुख दी ममता मोह पै जाए, जिंदे बिना परेशानी खड़ी हो जाए, जिंदे मिलाप लई चाहत इन्नी प्रबल ते बलवान हो जाए कि बाकी सारियां गल्लां भुल जान, ओ माया है। इत्थे हुण पुत्र मित्र नूं भी माया कह दिता, पूत मीत माया ममता स्यों। इत्थे भी इह बिदाब बंधावे क्योंकि उत्थे माया एक मोह दा बंधन बन गई, मनुख पुत्र मित्र विच बज गया।
ਭੂਤ ਮੀਤ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਉਂ ਇਹ ਵਿਧ ਆਪ ਬੰਧਾਵੇ ਉੱਥੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬਣ ਗਈ ਮਾਇਆ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਭਰਮ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉਂ ਝੂਠੋ ਇਹ ਜੱਗ ਦੇਖ ਤਾਸ ਉੱਠ ਧਾਵੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ ਭਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ ਲਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਅਗਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿਵ ਛੁਟਕ ਗਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾਗ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ ਸੱਪੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੱਪੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈਏ ਵਿਉਹ ਮੁੱਖੋਂ ਸੁੱਟੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਿਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੱਪ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ ਜੋ ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਪਰਮੰਤਾ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਿਪਟਾਏ ਜੋ ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਿਸੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ ਤਿਸੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਗਾਰੜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਰੜ ਮੰਤਰ ਹੋਵੇ ਸੱਪ ਅਤੇ ਗਰੜ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਅਤੇ ਗਰੜ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ
सप नू जे डर है तो गरड़ कोलो है। इसलिए जिस मंत्र नाल सप नू वस करदे ने ना सपादे, उस मंत्र दा ना ही उन्होंने गरड़ मंत्र रखा हुआ है। उस मंत्र दा ना जिंदे नाल उस सप नू वस करदे ने उनका ना उन्होंने गरड़ मंत्र रख्या होया है। तो सतगुरु ने बाणी में आख्या गरड़ू भाव गरड़ मंत्र जानन वाला, कहिंदे ने माया तो नागनी है, ये किसी का लिहाज नहीं करती। मनुख के जीवन में जदों डंगदी है उनके अंदर जिहड़ी गुणा की शक्ति होंदी है सारी मर जाती। पर जेड़े गुरमुख ने गुरु नाल जुड़े हुए ने वो गारड़ू ने भाव उन्होंने गरड़ मंत्र जान लिया है इस नागनी का, वो कोल रखते ने फिर वस करके रखते ने। माया उन्हां कोल भी होंदी है, ये नहीं दौलत नहीं होंदी, फिर गल उत्थे ही आ जाती भी दौलत की लोड़ है। पर गारड़ू शब्द नाल जोड़ के कहन लगे गुरमुख कोई गारड़ू जिन मल दल लाई पाए, जिन्हें वस करके अपने अधीन रखी, जिमें बड़े बड़े सपादे जड़े ने वो बड़े जहरीले सप्पा नू भी कील के रखते हैं। कहते नागन है, इतने हम नागन का नाम ही दे देता, बल्कि तुम हैरान हो गए हूँ कि पासे माया नू असी त्यागन की गल करिए। तो गुरु कहते ने ये शरीर माया का पुतला, शरीर भी माया है जिन्हों दिन रात मनुख संभालदा है, तो यह फिर अपना नहीं बनता, तो माया ही होई। अनक जतन करकाया पाली, मरती बार अगल संजाली, चुआ चंदन मर्दन अंगा, सोतन जले काठ के संगा, कैत कबीर सुनो रे गुणियां, बिनसोगे रूप देखे सब दुनिया। ये भी नहीं बनता, जो तन उपजिया संघ ही सो भी तन ना हो, सो भी संघ ना हो। तन संभालन लई, तन सजान लई, तन रिष्ट पुष्ट रखन लई मनुख सारी जिंदगी उपराले करता रहता है। तन की संभाल, कित बीमार ना हो जाओ, कितने तन कमजोर ना हो जाए, कितने तन बदसूरत ना हो जाए। दिन रात जे कपड़े वस्त्र पहनता है, खाता है, पहनता है, सब कुछ तन न, पर तन फिर साथ नहीं दिता। तो कहें जो इन्ना कुछ करन दे बाद भी साथ ना दे भुलेखा है। इसलिए गुरु ने तन शरीर नू भी माया कह दिता। मैं हैरान होना श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी अंदर किहड़े किहड़े पास्यों साडे सामने हर चीज स्पष्ट होंदी। गुरु कहन लगे ये शरीर माया का पुतला, ये भी माया है। क्यों? क्योंकि विच हउमें दुष्टि पाई, इहदे विच इक हउम जिन्नी देर है वह हउम दे सहारे, हउम विच जम्मिया, हउम विच मोआ, हउम विच दित्ता, हौ च लिया, हौ च खटिया, हौ च, ये सारी हौ जी शरीर नाल है। जिस दिन शरीर चला जाए उस दिन हौ भी खत्म हो जाती। कदे मुर्दा लाश ने पै होने कह ये नहीं आख्या मेरे सराहने क्यों खलोता है, मेरे पैरों वाले पास खलो, हौ खत्म हो गए, हौ तो शरीर नाल। गुरु ने आख्या इसलिए हौ जिहड़ा शरीर है वह भी माया है। ये शरीर माया का पुतला, विच हौमें दुष्टि पाई। केटी अजीब गल है, गुरु ने अगे जाके इथों तक कह दिता कि माया जिहड़ी है वो एक भरम है, भुलेखा है, ते उन्नू अंधेरा आख्या। अंधेरा गुबार, गुबार उस अंधेरे नूं कहिंदे जिहदे च कुछ ना दिसदा होवे। अंधेरे दा फिर भी इलाज है, गुबार दा कोई इलाज नहीं। गुबार दा जदों
सर्दियों च गुबार उठता ना, धुंद पैंदी जिहनूं धुंद कहने अपने दूजे च, जदों धुंद ना पवे तां उदों तुहाडियां गड्डियां दियां लाइटां कम दिंदियां ने। गड्डी अगे हैडलाइट लगदी होवे, धुंद ना होवे, कम दिंदियां ने। पर धुंद अंधेरे नालों ज्यादा नामराद है। जिस दिन धुंद पैंदी होवे फिर कई बार लाइटां भी नहीं कम दिंदियां। अपने रोजाना जीवन की गल है। तो उन्होंने कहते हैं गुबार। सतगुरु ने आख दिता, कहने लगे माया एक गुबार है जिहड़ी पछाण खत्म कर देती है, भरा भरा नहीं दिसदा, पिता पिता नहीं दिसदा, बल्कि गुरु ने तो इतों तक आख दिता, हे लंपट हे लोभा लंपट संग सिर मोरे, अनक लहरी कलोल। ते अगली तो अगे जाके कहने लगे धवंत जी आ बहु प्रकार अनक भांत बोल नच मित्रंग, मित्र भी नहीं दिसता, गुबार है, गुबार माया मोह गुबार है। अगे जाके कहने लगे तिथे ना दिसै तिसक तिसका ना दिसै और वार ना पार। एक ऐसा गुबार है, एक ऐसी धुंद है जिथे पछाण खत्म हो जाती। नच मित्रंग नच इष्टंग नच बांधव नच मात पिता तब लज्जिया। अज दे जमाने अंदर भी असी फेसबुक ते रोज देखने किस तरह पिता नूं कतल कर दिता, मां नूं कतल, किस लई? घर दी दौलत पिछे, किसे पकड़ पिछे, किसे मोह पिछे। तो ये सारियां चीजां एक माया दा वखरा वखरा रूप ने, बहु रंग माया, बहु विध पिखी। कलम कागद सियान पलेखी, महर मलूक होए देखिया खान, ताते नाही मन त्रिपतान। हुन मसला ये है भी जे ये गुबार भी माया है, जिन्दे विच पछाण खत्म हुंदी है, तां इक ख्याल करियो मनुख आखर की करदा है। सतगुरु ने बाणी विच आख्या फिर उदों मैं की देखना, मनुख एक व्यापारी बन जांदा है, हर पासे वेखदा मैनूं फायदा कित्थों है, लाभ कितों है। माया खोटी रास है, एक चशे में पाज ले जाए गुरबानी। माया नू अपनी इस भुलेखे नू इस भरम नू अपने जीवन की एक शक्ति बना लैंदा है, अपनी रास बना लैंदा है, भी मेरी यही चीज है, जो मैं कहना यही ठीक है। पर कहंदे ने पल नहीं लगता जदों ये पाजो गुड़ जाता है। पर मनुखता ये सौदा ये व्यापार निरा दो लोगों नाल ही नहीं करता, गुरु नाल भी करन लग पैंदा। सोचता सस्ता आ सुखना सुखना की है, जे तू मेरे घर पुत्र की बख्शिश कर दे मैं अखंड पाठ करावांगा। तेन पता है भी अखंड पाठ से किन्ना क लगना है, दो चार दस हजार, फिर दस हजार का पुत्र मिल गया, इस तो सस्ता सौदा कि तेरे मन अंदर तो एक ही लालसा है ना, जे मैं इस मुकदमे में जित जावा मैं सोने का छब्बा चढ़ावगा। है इनका मतलब गुरु नाल भी तू सौदा करना चाहना है, गुरु नाल भी व्यापार करना चाहना है। आ जिन्नियां सुखना असी सुखने हैं, सुखना सुखन का मतलब है गुरु नाल व्यापार। ते बड़ा सियाना हो गया मनुख, कहता है रब नूं खुर के पता लगना केड़ी चीज़ सस्ती है केड़ी महंगी है, जड़ी चीज़ मैंने बाजारों नहीं मिलती वह गुरु नूं आखीए मैं तू आ दे दे मैं आ कर देंगा सस्ता सौ। मुकदमा जितने वास्ते चंगे वकील चाहिए ने, चंगे वकील ने लखां रुपए लेने ने, जे मेरा मुकदमा जित गया मैं अखंड पाठ करा देंगा। सौदा है, ते ए सौदा
मनुख करता है खोटी रास नाल। सदगुरु ने क्यों बाणी में कह दिता कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करिया हार। ते ना हुंदा इन्हें धर्म रखे होया है अखंड पाठ बनाने वाला तो यही समझ कहता ना धर्म कर रहे हैं। मैं सुखना सुखी सी सुख पूरी कर रहे धर्म है, धर्म समझता है। पर गुरु कहते ने तू व्यापारी है, जदों इस निगाह नाल देखते ने गुरु एक फैसला दिता कहते कोट मध्य को विरला सेवक। आ जिहड़ियां लाइनां लगियां होईयां ने ना धर्म कर्म करन वालियां दियां, ये सारे व्यापारी ने। सच्चाई गुरु आखण लग्या संकोच नहीं करदा। बड़ी लंबी लाइनां कीती सी, केड्डी लंबी लाइन है कि 10-10 साल अखंड पाठ दरबार साहिब कराउण लई उड़ीक करनी पैंदी है, इन्नी लंबी लिस्ट है। अज तुसीं उत्थे फोन करो अखंड पाठ कराउण 8-10 साल की लंबी लिस्ट होंगे, इस तुम बाद वारी आई खास, और वह भी खास थावान थे। जो परिक्रमा में रखाना हो छोटी समा मिल जाएगा, जो दरबार साहब उपर रखाना हो तो देर लग मिलेगा। व्यापार है ते गुरु ने कह दिता कूड़ी रास कूड़ा हुआ पार, कूड़ बोल कर हार। फिर कहने लगे मैं यकीन दवाना कि सर्म धर्म के डेरा दूर, इस माया दे भरम विच के खौरे इस माया नाल जे कोई ऑफिसर खरीदिया जा सकता है, जे संसार दे अंदर पदार्थ खरीदे जा सकते ने, खौरे इस माया नाल रब भी खरीदिया जा सकता है, खौरे इस पैसे नाल गुरु भी खरीदिया जा सकता है। ते जे मैं इस पैसे नाल गुरु दे खरीद दी गुरु दे सौदा करांगा ते मैनू लोग धर्मी भी आखणगे। लै ये तो इन्हें अखंड पाठ कराऊंगा। पर गुरु ने फैसला दिता कहन लगे कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करे आहार, सर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर। ओ कूड़ की है माया ममता माया मोह गुबार है, तिसदा ना दिसै उरवार ना पार। एक गुबार है, परम है, भुलेखा है, अंधेरा है, जिस अंधेरे दा पार नहीं दिसदा। ते गुरु ने आख्या मैं इसलिए एक गल दा फैसला देना चाहना कि इस गुबार विच्चों बाहर निकल, फिर तू जो कुछ भी करेगा जिन्हों भी पछाणेगा भावें मित्र नू भावें पुत्र नू भावें दौलत नू भावें संसार दे कारोबार नू भावें गुरु नू, फिर जे गुबार विच्चों बाहर निकल आवेंगा तेरी पछाण दुरुस्त हो जाएगी। मनुख की सब तो वड्डी दुश्मन चीज जिहड़ी है वह है गुबार, जिंदे विच पछाण खत्म होंदी। अज साडे हालात की ने फिर देखियो ककौड़ी सच्चाई है, अज कौम का सब तो वड्डा दुखांत एहो ही है कि पछाण कोई नहीं। ऐसा गुबार फैलिया है कि पछाण कोई नहीं। ते गुरु ने अपनी रचना तो आखिरी फैसला यह दिता कहन लगे तू ऐसे गुबार विच फस गया है कि तेनू रब की भी पछाण कोई नहीं। एहो कारण है कि तेरा रब नाल प्रभु नाल राम नाल संबंध टुट गया है। अपनी रचना तो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने फैसला दिता है कहते ने प्राणी को हर जस मन नहीं प्राणी को हर जस मन नहीं आ
मगन रहे माया में, किसे ना किसे माया दे रूप दे जाल विच फसिया रहिंदा है, भावें पूतमीत विच भावें परम ते भुलेखे विच भावें धर्म दे नाम दे कर्म कांडां विच किसे ना किसे रूप विच ਇਹ ਉਸ ਭਰਮ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨ ਸੇ ਮਗਨ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮੈਂ, ਐਨ ਸੇ ਮਗਨ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮੈਂ, ਕਹੋ कैसे गुण गाए, कहो कैसे गुण गाए, पूत पीत माया ममता स्यो, पूतमीत माया ममता स्यो, एह विद आप बंधावे, एह विद आप करके साड़ी पछाण तो बाहर हो गई है। गुरु ने बाणी विच बहुत रूप दिते, कहन के नक्टी को ठानगन बाडाडू, किने बबे की काटी तो नक्टी जड़ी नक कट्टी नाटक करने वाली ਬੜੀ ਠਣਗਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਮਾਇਆ ਤਨ ਫੀਕ ਮਿੱਠੀ ਹਮ ਤੋਂ ਪੰਡ ਉਚਾਈ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਮਾਇਆ ਤਨ ਮਿੱਠੀ ਹਮ ਤੋਂ ਪੰਡ ਉਚਾਈ ਰਹੀ, ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਮਾਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟੇਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਵਧੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।